हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा पड़ती है। इस पूर्णिमा को चैती पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि चैत्र पूर्णिमा पर भगवान चंद्रदेव अपने पूर्ण आकार में होते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता मां लक्ष्मी की पूजा व्रत करने से शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा के दिन किस मुहूर्त में पूजन करें, साथ ही पूजन की सरल विधि और मुहूर्त हम बताएंगे। ज्योतिषाचार्य के अनुसार किस प्रकार से हमें घर में बैठकर पूरा पुण्य लाभ लेने के लिए स्नान कर किस विधि से पूजन करने से पुण्य लाभ मिलेगा जानते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा इस बार 23 अप्रैल मंगलवार के दिन पड़ने जा रही है। इस दिन पूर्णिमा रहेगी और पूर्णिमा के दिन हमको किसी पवित्र नदी में, किसी जलाशय में, यदि आपके क्षेत्र में गंगा जी पवित्र नदियां हो, गोदावरी हो, नर्मदा, रेवा, ताप्ती जैसी महान नदियां हो, तो प्रयास करें कि पूर्णिमा के दिन उन नदी में जाकर के हमको स्नान करना चाहिए और नदी में अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान का भजन करें और भजन करने के साथ ही पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से व्यक्ति को दान करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन स्नान करता है और दान करता है वह विशेष रूप से सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करता है, उसके जीवन में मंगल होता है। और एक विशेष संयोग यह है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी रहती है, हनुमान जन्मोत्सव भी रहता है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके अपना भजन करें, दान करें और हनुमान जी का भी विशेष रूप से हमको पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख शांति आती है, हमारे जीवन में मंगल होता है। और साथ ही साथ कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है, मधुमासस्य शुक्लायाम एकादश्याम उपोषितः पंचदश्याम च भो वीर मेष संक्रमणे तु वा वैशाख स्नान नियमं ब्राह्मणानां मनुज्ञाः। ब्राह्मणों की आज्ञा से चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन स्नान करने के पश्चात वैशाख स्नान का नियम भी प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात जिन व्यक्तियों को एक मास तक वैशाख स्नान करना है, वैशाख के नियम धारण करना है, वैशाख के लिए विशेष प्रकार के नियम आपको प्रारंभ करना है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन से ही ब्राह्मणों की आज्ञा से और भगवान को प्रणाम करके उस वैशाख स्नान के जो नियम है वो तो चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन से हमको प्रारंभ करना चाहिए, जिससे हमको उस वैशाख स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है।